नमस्कार एंड वेलकम टू अतिथि डॉट कॉम आर गेस्ट टुडे इज़ अ गांधीयन बाय नेचर अ हिस्टोरियन बाय प्रोफेशन एंड ही इज़ द फॉर्म वाइस चांसलर ऑफ़ इग्नो वी आर डिलईटेड टू हैव ऑन आर प्रोग्राम टुडे प्रोफेसर रविंद्र कुमार नमस्कार प्रोफेसर साहब वेलकम टू द प्रोग्राम अगर आपके जीवन को देखा जाए एक तरफ गांधी जी के आप कदमों पर चलते हैं उनको इतना स्टडी किया है पर स्टडी से ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग बात है कि आपने उनको फॉलो किया है उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं लोग समझते हैं कि उनको फॉलो करना बड़ा मुश्किल काम है जी लेकिन मैं अपने जाति अनुभवों से ये कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा आसान उनको फॉलो करना है ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास चीज़ पर ही आप गांधी जी को फॉलो कर सकते हैं जी। गांधी जी अगर आपके विचारों में अंदर आ जाएं, आपके जहन में उतर जाएं, तो बहुत सारे ऐसे मरहले होते हैं ज़िंदगी के जिसमें गांधी जी आपका मार्गदर्शन करते चलते हैं मैं आपके साथ अपने यंगर डेज का एक अनुभव साझा करूं। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें आदमी को ये नहीं समझ में आता कि इस रास्ते पे जाएं या इस रास्ते पे जाएं तो ऐसे में ये सोच पाना कि हमको यही रास्ता चुनना है सबसे अच्छा तरीका यह है कि किसी बड़े आदमी की ज़िंदगी के बारे में पढ़ो अब इतफाक़ से मेरे हाथ में गांधी जी की किताब लग गई सत्य के मेरे प्रयोग और जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वही गांधी जी के भी एक्सपीरियंसेज़ हैं फिर आसानी हुई ये सेलेक्ट करने में कि किस रास्ते पर चलें और ये बात बहुत मज़े की है कि उन रास्तों पर चलने में कठिनाई नहीं हुई बहुत सारे जो मन के झंझट थे कि इधर जाएंगे तो ऐसा नुकसान हो जाएगा इधर जाएंगे तो ऐसा नुकसान हो जाएगा उनसे निजात मिल गई और उन रास्तों पर चलने से सुकून भी मिला और मैं आज कह सकता हूँ कि मैं मतलब मैंने एक फुलफिल्ड लाइफ लीड की है गांधी जी के रास्तों पर चल के आपकी क्या उम्र थी जब आपने उन्हें पहली बार सोलह सत्रह साल की उम्र में ये सबके मन में ये सवाल पैदा होते हैं जी, जी, <laughs> हाँ वो ऐसी जिसमें आपको लगता है कि कोई ऐसा रास्ता दिखाने वाला मिल जाए हो सकता है कोई और किताब मेरे हाथ लगती हिटलर हाँ। की किताब लग जाती लेकिन ऐसा नहीं हुआ सत्य के मेरे प्रयोग मेरे हाथ लगी मेरे ग्रैंडफादर के कलेक्शन में थी तो मैंने वो किताब निकाली और कुछ पन्ने पलटते ही मुझे ऐसा लगा कि ये किताब पढ़ने में मुझे अच्छा लग रहा है खासतौर पर वो चीज़ें जो मुझे परेशान करती थी वो गांधी जी को भी परेशान करती थी गांधी जी के सामने जब वो साउथ अफ्रीका गए तो एक सवाल पैदा हुआ कि साउथ अफ्रीका में किस तरह की लड़ाई लड़ी जाए यहाँ से लोग ले गए थे उनको इस उम्मीद में कि गांधी जी हमारे हक में वहाँ लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि अंग्रेजों ने तमाम जो राइट्स थे हिंदुस्तानियों के वो सप्रेस कर रखे थे तो अब गांधी जी के सामने सवाल ये था कि हम कैसे इन राइट्स को रिस्टोर करें जी। तो बड़ा खूबसूरत रास्ता उन्होंने निकाला कि हम पहले पटिशन देंगे गांधी जी कमाल की शख्सियत हैं जिनको ये मालूम है कि कितनी दूर जाना चाहिए और कहाँ तक जाने से बहुत दूर जाना नहीं होता तो गांधी जी इसकी कमाल की मिसाल है उनको मालूम था कि इन रास्तों पर चलने से सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और बगैर किसी बड़ी परेशानी के तो उन्होंने पिटिशन का रास्ता चुना जी। अब जो वहाँ के तमाम लोकल लोग थे उनको ये लगा कि पिटिशन देने से तो कांग्रेस सरकार मानती नहीं हम लोग भी पिटिशन देते हैं ये तो कुछ सुनते नहीं है हमारे पिटिशन रिजेक्ट कर देते हैं रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं और अगली बार फिर हम एक पिटिशन देते हैं तो बहुत से लोगों ने गांधी जी को चैलेंज करना शुरू किया कि भाई मोहनदास ये रास्ता ठीक नहीं है तुम्हारा ये रास्ता हमें नहीं सूट करेगा हम तो तुम्हें इसलिए नहीं लाए थे यहाँ अब गांधी जी के सामने ये परेशानी हुई कि अपने सोचे हुए एक अच्छे रास्ते पर चलें या उन लोगों की डिमांड पर अपने रास्ते को बदल दें जी। तो ये वो मौका है जब गांधी जी अपनी ऑटोबाग्राफी में लिखते हैं कि मेरे सामने उस समय जब मैंने चुनना चाहा तो मुझे लगा कि चाहे ये रास्ता मुश्किल हो थोड़ा परेशान करने वाला हो लेकिन इसमें सफलता पाने के चांसेस कहीं ज्यादा हैं नस्बता उन रास्तों के जिनको वो लोग चाहते थे कि थोड़ा सा सख्ती बरती जाए ये कर दिया जाए कि थोड़ा सा थो, हल्की से वायलेंस की जाए मुझे लगा कि हाँ बात तो गांधी जी की सही, सही है और फिर पोस्टेरिटी ने तो बताया ही कि गांधी जी उन रास्तों पर चल के वो कॉन्स्टेंटली खुद को क्वेश्चन करते हैं और जो भी नतीजा हो उसको साफ़ और सरल कह देते हैं कोई बात छुपाते नहीं है दिस बीन अ ट्रांसपेरेंसी टू ऑल हिज राइटिंग्स एंड टू हिज लाइफ सो आई सपोज इस वजह से उनको uh, समझना और फॉलो करना आपके लिए आसान रहा होगा असल में गांधी जी को आज जो डिस्कशन होता है तो फोशिलाइज गांधी पे होता है जी बिल्कुल और गांधी जी एक लिविंग एंटिटी है अगर आप अपनी ज़िंदगी में उतारें तो आपको लगता है कि मेरे अंदर भी एक छोटा सा गांधी है हाँ। और वो मुझे ताकत दे रहा है अगर हम उनको फॉसिलाइज कर देंगे तो फिर हम गांधी जी के तमाम विचारों को स्टैटिक मान हाँ, लेते हैं हाँ। गांधी जी ने बहुत जगहों पे लिखा है कि भाई मैं अपने आइडियाज में बराबर बदलता रहता हूँ मैं इवॉल्व करता हूँ बिल्कुल इस एवोल्यूशन के प्रोसेस में ये बात सबको मालूम होनी चाहिए कि जो बात मैंने आज से चार साल पहले कही अब मैं इवॉल्व होकर के यहाँ आ गया हूं। हाँ, तो वो बात लागू नहीं होगी वो बात लागू नहीं होगी और आज जो मैं कह रहा हूँ वो ज्यादा पकी हुई और अच्छी बात है और हो सकता है आज से छः साल बाद मैं इसी विषय पे कोई और बात कहूँ तो वो और मिच्योर और पकी हुई बात होगी तो गांधी जी को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि ये बात सबको नजर में रखनी चाहिए आपने ये बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि फोसिलाइज गांधी एक तरीके से हम जिस तरह से उनको आज याद करते हैं बट यू नो वेन वी टॉक अबाउट दी ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस तो आज के जमाने में तो ना तो ट्रूथ नज़र आता है और ना ही नॉन वायलेंस इतनी नज़र आती है और इन दिनों में तो ख़ास पर हम देख रहे हैं कि जो एंगस्ट है सोसाइटी में वो वायलेंस की तरफ ही जा रहा है मैंने इस नज़रिए से भी गांधी जी को हाँ। जांचना ना पर रखना चाहा जी क्योंकि वो बार बार कहते हैं मुझे जाँचों पर एकदम एक्सेप्ट नहीं कर लो जो मैं कह रहा हूँ उसको जाँचों पर और जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे उनके एक्सपीरियंसेस मुझे लगा कि मेरे भी अपने अनुभव हैं जी। और शायद जो लोग पढ़ते हैं सबको लगता है हाँ। कि मेरे एक्सपीरियंसेस है ये गांधी जी की बड़ी अच्छी बात है, है। कि वो आपके बहुत नजदीक हैं वो ऐसा नहीं है कि क्राइस्ट की तरह हैं कि क्राइस्ट को छूना मुश्किल है एक देवता हैं हाँ। और उनकी पूजा ही करनी चाहिए हाँ। गांधी जी आम आदमी हैं हाँ। आप उन तक जा सकते हैं लेकिन गांधी जी को पढ़ते हुए ये समझ में आता है कि गांधी जी के ज़माने में भी यही एंक्स था इसी तरह की वायलेंस थी और इसी तरह का ट्रूथ और अन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था तो ऐसा नहीं है कि उनके वक्त से और आज के वक्त में कोई बहुत बड़ी तब्दीली हो गई है और आज इसीलिए अक्सर लोग सवाल खड़ा करते हैं कि गांधी जी रेलिवेंट हैं कि नहीं हैं आज जितने रेलिवेंट हैं उतने तो शायद अपने वक्त में रेलिवेंट नहीं थे हाँ। क्योंकि आज गांधी जी इवॉल्व करके गांधी थॉट इवॉल्व करके यहाँ तक आ चुका है और गांधीन थॉट 1948 में ख़त्म नहीं हुआ गांधीन थॉट जो है वो सोसाइटी में एक्सपेरिमेंटेशन में रहा है और इवॉल्व होकर के यहाँ तक आ चुका है तो आज बड़ी जरूरत है गांधी जी की रही बात इसकी कि वायलेंस और ट्रूथ के बीच में जिस तरह की वायलेंस आज हमको देखने को मिल रही है इस तरह की वायलेंस गांधी जी के सामने भी थी और उन्होंने बड़े अच्छे समीकरण निकाले थे चौरी चौरा जिस समय कांड हुआ उसके ठीक पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपने पीक पे था बिल्कुल और हिंदुस्तान के 90 प्रतिशत नेशनलिस्ट लीडर्स को यकीन था कि आजादी अब आ गई अब अंग्रेज गए और ज्यादातर लोग जो हैं वो बहुत इलेटेड थे अंदर से बहुत खुश थे कि क्या बापू ने क्या तरकीब लगाई है कि अंग्रेज बहुत परेशान हो गए ठीक उसी समय चोरी चौरा हो गया और गांधी जी ने फौरन रन भाई हम ये आंदोलन वापस लेते हैं जी। मुझे नहीं याद पड़ता कि एक भी राष्ट्र नेता उस समय ऐसा था जिसने ये कहा हो कि बापू आप ठीक कर रहे हैं हर एक ने गांधी जी का विरोध किया और ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि उतने प्रबल विरोध के बीच में गांधी जी खड़े रहे नॉन वायलेंस मेरा क्रीड है मेरा कन्विक्शन है उस कन्विक्शन से मैं कोई समझौता नहीं करने जा रहा वायलेंस कहीं भी होगी तो मैं उसको अपोज करूंगा किसी फॉर्म में भी होगी तो उसको अपोज करूंगा और ये मूवमेंट वायलेंस से बड़ा नहीं है हमको नॉन वायलेंट मीन्स को अडॉप्ट करना है गांधी जी ने मूवमेंट वापस ले लिया बड़ी मुश्किल हुई गांधी जी को हर एक ने गांधी जी को क्रिटिसाइज किया लेकिन वही समझ में आता है कि उनके अंदर का जो स्टील था वो इस तरह पका है और और तजुर्बों से निकल करके हाँ। बाहर आया एक बात गांधी जी बार बार कहते थे कि जिन तरीकों से आज़ादी अख्तियार करोगे उन्हीं तरीकों का बराबर इस्तेमाल करते रहना पड़ेगा आज़ादी को बचाए रखने के लिए अगर वायलेंट से आज़ादी ओगे हाँ। तो आज़ादी को बचाए रखने के लिए वायलेंट 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 अडॉप्ट करने पड़ेंगे नॉन नॉन से लाओगे तो आपने इतिहास को कई नज़रियों से देखा है खास तौर पर जो मिडीबल हिस्ट्री है हिंदुस्तान की उसके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं क्योंकि इतिहास का तो हर पहलू हमारे लिए जरूरी है वॉट हैज बीन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है अपनी रिसर्च का काम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आकर के शुरू किया जी और मुझे आते ही मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने सजेस्ट किया कि मेरी चूँकि साइंस की बैकग्राउंड थी तो उनका कहना यह था कि मैं मेडिवल आर्किटेक्चर पर काम करूँ और उससे मुझे साइंस के बैकग्राउंड से मुझे मदद मिलेगी और वो ये नहीं चाहते थे कि मैं आर्किटेक्चर को एक बिल्डिंग के एस्थेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिन करूं वो चाहते थे कि मैं मेडिवल टेक्नोलॉजी में एंटर करूँ कि आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजी क्या है किस तरह की इस्तेमाल होती है और किस तरह के उस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बिल्डिंग्स में खास तरह के बदलाव आते हैं तो थोड़ी सी ट्रेनिंग मुझे सिविल इंजीनियरिंग की लेनी पड़ी और उसके बाद मैं तैयार हो गया और मुझे उन्होंने बस फ़ौरन फील्ड में उतार दिया और कहा आप जाइए बिल्डिंग्स को देखिए और उनकी टेक्नोलॉजी को एग्जामिन करिए उन्होंने कहा रॉयल बिल्डिंग्स पे बहुत काम हो चुका है आप पब्लिक बिल्डिंग्स पे काम करिए अच्छा जो सार्वजनिक उपयोग में आने वाली बिल्डिंग्स हैं तो उस समय तो हमने बहुत बड़ी फेहरिस्त बनाई थी लेकिन दो बिल्डिंग्स ऐसी थी जिन पर खास तवज्जो मैंने दी जी। एक तो कारवा सराय ठीक है कारवां सराय एक ऐसी बिल्डिंग है जो पब्लिक के इस्तेमाल में आने वाली बिल्डिंग है और मेडिवल पीरियड की हॉलमार्क बिल्डिंग है क्योंकि उसके पहले हमें कारवां सराय देखने को नहीं मिलती जी। ये तुर्कों के हिंदुस्तान में आने के साथ हिंदुस्तान में कारवा सराय का इंस्टीट्यूशन आता है और दूसरी उस जमाने में बहुत सारे पुल बने बड़े मजे की बात यह है कि नदियों पर पुल बनाने का सिलसिला तुर्कों के आने के साथ शुरू हुआ अच्छा। उसके पहले पक्के पुल नदियों पर बहुत कम देखने को मिलते हैं अगर हम तुर्कों के पहले के हिंदुस्तान की बात करें तो पक्के पुल नदियों पे नहीं है अच्छा नाव के पुल हैं या टेम्परे पुल बना दिया जाए द स्ट्रक्चर ऑफ दर्ट है वो भी उनके उनके आने के हाँ, साथ वो अपने साथ ये आर्च लेकर के आए जी एक बड़ी मजे की बात यह हिंदुस्तान में आर्च की नॉलेज थी बहुत पहले से अच्छा हमें बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते हैं पुराने जिसमें आर्च का इस्तेमाल हिंदुस्तान में हुआ था छोटे छोटे स्केल पे यानी टेक्नोलॉजी से वाकिफ थे लेकिन आर्च का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हिंदुस्तानियों ने नहीं किया उसकी एक वजह थी क्योंकि हिंदुस्तानी ज्यादातर अपना काम जो है वो बड़े पत्थरों की बिल्डिंग से करते थे और उनमें आर्च बनाने की गुंजाइश कम थी ना उनके लिए बड़ा फायदेमंद था तुर्क जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने आर्च इंट्रोड्यूस कर दिया क्योंकि आर्च उनका एक हॉलमार्क फीचर था जी, टर्किश आर्किटेक्चर का जी, और शुरू शुरू में अच्छे आर्च नहीं बनते थे जिसको हम कहते हैं फॉल्स आर्च बना करते थे आर्च की शक्ल दे देते थे आर्च की टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल होती थी लेकिन बहुत जल्दी एक सौ बरस के अंदर आर्च बनाने की टेक्निक उन लोगों ने परफेक्ट कर ली थी और फिर हिंदुस्तान ने आर्च बनाने की टेक्निक में जो परिवर्तन किए वो कमाल के परिवर्तन थे उन्होंने छोटे छोटे बहुत सारे एडजस्टमेंट किए और उन एडजस्टमेंट का नतीजा ये हुआ कि इकोनॉमिकली बनने लगे आर्च अच्छी क्वालिटी के आर्च बनने लगे और उनकी लोड बियरिंग कैपेसिटी जो है वो ज़बरदस्त हो गई तो आर्च बनाने की टेक्निक के साथ ही हिंदुस्तान में एक नई तरह की बिल्डिंग इंट्रोड्यूस हो गई जिसको हम कारवा सराय कहते हैं बिल्कुल ये बिल्डिंग जो है इसमें ज्यादातर हमको आर्च देखने को मिलता है और ये पब्लिक बिल्डिंग के तौर पे उन्होंने बनानी शुरू की इंस्टीट्यूशन अपने साथ लाए थे टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में इवॉल्व की और बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनने शुरू हो गए तो मेरे स्टडी का सब्जेक्ट ये तय हुआ कि मैं कारवा सराय को केयरफुली एग्जामिन करूँ ये एक तरह से जो पहले मोटेल्स हो इस तरह से उनको देखा जा सकता है हाँ काफी कुछ ये मोटेल जैसी चीज होती थी काफी कुछ लेकिन मजे की बात यह है कि कारवा सराय मोस्टली उन रूट्स पे बनाई जाती थी जिन पे ट्रैवलर्स ज्यादा चलते हों जी जी और बड़े शहरों में क्योंकि हाँ। शहरों में बाहर से आने वाले ट्रैवलर्स के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास पर्शियन ट्रैवलर्स बहुत आते थे दिल्ली में पर्शियन ट्रैवलर्स बहुत आते थे और यहाँ से बहुत सारा सामान खरीद करके ले जाते थे तो उनके ठहरने के लिए कारवां सराय का बंदोबस्त करना होता था तो बड़े शहरों में और जो ट्रैवल रूट्स हैं उनके ऊपर कारवां सराय बननी शुरू हुई और इसीलिए हमने अपनी स्टडी का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो शुरू किया जो मेडिवल पीरियड में ट्रैवलर्स आते थे उनके ट्रेवल अकाउंट्स हमने एग्जामिन किए और फिर ये सेलेक्ट किया कि जिन रूट्स पर से वो गुजरते थे एक बार उन रूट्स पे मुझे खुद जाना चाहिए अच्छा और ये थोड़ा एक्साइटिंग भी था चैलेंजिंग हाँ। भी था हाँ। और हमने जो सो नाउ रूट्स मस्ट बी एटलीस्ट इयर्स ओल्ड दिल्ली आगरा इलाहाबाद का जो रूट था वो भी बहुत पुराना मुगल रूट है जी उस पर बहुत ज्यादा ट्रैवलर्स आया जाया करते थे मेडिवल ट्रैवलर्स के अकाउंट्स में इस रूट हाँ। का बड़ा ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है तो मुझे अकाउंट्स में डिस्क्रिप्शन तो मिल गया अब मुझे ये देखना था कि ये बिल्डिंग्स वाकई हैं या वक्त के साथ खत्म हो गई और अगर हैं तो इनका क्या स्ट्रक्चर है किस तरह की हैं ये बिल्डिंग्स तो मैंने दिल्ली और आगरा को सेंटर बना के और हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल करना शुरू किया जी। और इस ट्रैवल के जो रिवार्ड्स मिले वो कमाल के थे क्योंकि मुझे ये उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी कारवा सराय एग्जिस्टिंग स्टेट में मिल जाएंगी मुझे जिंदा मिल जाएंगी अच्छा और कारवा सराय जो जो ट्रेवलर्स यू so से जिंदा मिल जाएंगी मतलब वो आज भी उसी तरह यूज हो रही है कुछ सिर्ण... आज भी वैसे ही यूज हो रही है अच्छा और कुछ में वो लोग जो कारवा सराय की देखभाल करते थे एक कम्युनिटी कहलाती थी, थी भटियारा आपने नाम भी सुना बिल्कुल बिल्कुल भटियारा कम्युनिटी के बहुत सारे लोग आज भी कारवा सरायों में मौजूद हैं और उनकी देखभाल कर रहे हैं अच्छा हालांकि अब मुसाफिरों के ठहरने के रेलवे के आने के बाद मुसाफिरों के ठहरने की व्यवस्था कारवां सराय में खत्म हो गई क्योंकि रेलवे ने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल शुरू कर दी आप रात को बैठिए सवेरे बम्बई पहुंच गए जिसके लिए पहले पंद्रह दिन लगते थे तो कारवा सराय अलग अलग स्टेजेस पे होना ज़रूरी था लेकिन स्ट्रक्चर इंटैक्ट हैं ये बड़ी कमाल की बात है और स्ट्रक्चर जो हैं अपनी अच्छी हालत में इंटैक्ट हैं ये भी मुझे देखने को मिला और एक चीज़ बहुत मज़े की उस पूरे स्टडी के दौरान देखने को मिली कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जो धीरे धीरे करके रूट थोड़ा शिफ्ट हो गया तो वो जंगल में चले गए और वो जंगल में बर्बाद नहीं हुए वहां जंगल उगाया बड़ा घना जंगल है उसके अंदर लेकिन स्ट्रक्चर इंटैक्ट कमाल सब... की बात है। कि जो टेक्नोलॉजी है हाँ। उसकी जो क्वालिटी है उसका भी एक एविडेंस है कि अच्छी टेक्नोलॉजी से बनाए गए स्ट्रक्चर हैं। एक आरा बेगम की सराय है सूरत के पास अच्छा। यानी गुजरात और खानदेश के बीच में उसका बड़ा ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ट्रेवलर्स देते हैं कि वो सराय है बड़ी अच्छी सराय है उसमें स्वीट्स हैं दो दो कमरों के जुड़े हुए अच्छा। स्वीट्स हैं इस तरह का ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है लेकिन रूट वहाँ से एक तीस किलोमीटर हट गया तो अब वो सराय किसी की नज़र में थी नहीं हमारी स्क्रीन पर पीछे जो तस्वीरें आ रही हैं ये उसी सराय की तस्वीरें हैं ये जहाँ आरा बेगम की सराय है हाँ। जो हमको जिसको हम लोगों ने डिस्कवर किया और हम उन जंगलों में गए और ये स्पॉट करते रहे कि उसका डिस्क्रिप्शन इस तरह का देखते हैं कहाँ है और सडनली हमारे आंखों के सामने सो दिस मस्ट हैव मीन सो एक्साइटिंग फॉर यू कि आप जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं जो यूरोपियन ट्रैवलर्स को आपने ज्यादा फॉलो किया हाँ। तो वो चीज़ें बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसे ही आपको मिली 90% वो चीज़ें मिल गई जो उन्होंने डिस्क्राइब की थी उससे हाँ। ये भी प्रूव होता है कि उनके अकाउंट्स फेक नहीं है हाँ। उन्होंने बहुत एक्यूरेट डायरीज बनाई थी और अपने अकाउंट्स में बहुत एक्यूरेसी के साथ डिस्क्रिप्शन दिए थे और जो स्टेजेस उन्होंने दी थी मोस्टली उन्हीं स्टेजेस पे मिली ये जहां आरा बिगम की जो सराय मैं आपको बता रहा हूँ जो स्टेज उन्होंने डिस्क्राइब की थी हम उसी स्टेज को लोकेट करते रहे अच्छा और धीरे 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 हम उस तरफ बढ़ते गए सडनली भी नोटेड कह रहे सामने तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और ये वही सराय है अगर हम एक रूट लें जैसे जो सिल्क रूट से कलकत्ता तक का रूट है जो जीटी रोड का रूट है तो अगर उसके बारे में सोचा जाए तो अभी भी एक रोमांच सा होता है कि हमारे देश की संस्कृति उसी रूट पर ट्रैवल की है भक्ति मूवमेंट उसी रूट पर ट्रैवल किया है की है।, <laughs> है ना <laughs> बिल्कुल आप ठीक कह है रही हैं हमारी कल्चर जो है वो उसकी इंटेग्रिटी भी है और उसका स्प्रेड भी है वो उसी रूट पर है असल में ट्रैवल रूट्स जो हैं ये हमारे कल्चर के कैरियर्स भी हैं और हमें बहुत सी बिल्डिंग्स ऐसी इस बीच में देखने को मिली जहाँ पर कल्चर कंजर्व होता है कानपुर और दिल्ली के बीच में एक बिल्डिंग है वो सराय अजीत मल के नाम से जानी जाती है अच्छा एक उस समय के कायस्थ जमींदार थे बड़े जी। उन्होंने वो सराय कहते हैं कि वो सराय उन्होंने स्टैब्लिश की जब हमने बहुत गौर से उसको एग्जामिन किया केयरफुली एग्जामिन किया तो पता चला कि कोई पुरानी सराय थी हाँ। उसको अजीत मल ने रेनोवेट कर दिया था अच्छा और ये शायद सेवनटीन्थ या एटीन सेंचुरी में किया हो एग्जैक्ट डेट उसकी डिसाइफर करना जरा मुश्किल था लेकिन पूरी बिल्डिंग सराय की इंटैक्ट खड़ी हुई थी और उसके एक हिस्से में भटियारे आज भी मौजूद थे जिनसे पूछने पर पता चला कि सब लोग कह रहे थे हम दो सौ ढाई सौ साल से यहाँ रह यह भी एक बहुत अच्छा हिस्टोरिकल फैक्ट है कि सराय ओरिजिनली किसने बनाई उसका क्या धर्म था और फिर उसको रेनोवेट किसने किया उसका क्या धर्म था इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और सराय जैसा कि बाद में समझ में आया कि ज्यादातर स्टेट ने बनाई हाँ। स्टेट के अलावा हमें बाद में एविडेंस मिलनी शुरू हुई कि बड़े महाजनों ने बनाई क्योंकि फिर चैरिटी का काम हो गया ये बनाना जी, जी। सराय बनाना शुरू में तो स्टेट का इंटरवेंशन है बड़े स्केल पे स्टेट बना इसमें हर ओम के हर फिर के आदमी को जगह मिलती थी बिना इस भेदभाव के कि वो कहाँ से आया है कैसा है यहाँ तक कि अंदर खाने की व्यवस्था भी सबके लिए अलग अलग होती थी ये जो एक्सेप्टेंस है एक दूसरे के फेथ की और एक दूसरे के वे ऑफ लाइफ की ये भी अपने आप में एक बड़ी खूबसूरत बात है कि सराय में इन चीजों का ध्यान रखा जाता है अगर जा। हम स्ट्रक्चर से हट के थोड़ा सोशल इंस्टीट्यूशन पे चले जाए हाँ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग एविडेंस मिलती है आ, मसलन ब्राह्मण और मुसलमान साथ साथ सराय में ठहरे हैं जी ब्राह्मण को किसी काम से पास के शहर में जाना है उसके पास थोड़ा सामान है और मुसलमान कह रहा है कि मैं अभी बारह दिन यहाँ रुकूंगा तो वो अपना सामान उसकी हिफाजत में छोड़ के चला जाता है और लौट करके अब उससे ले लेता है ठीक इसी तरह मुसलमान अपना सामान उनकी हिफाजत में छोड़ के चले जाते हैं भाई इसकी ज़रा देखभाल करना और हम लौट के आएंगे और ज़्यादातर केसेस में वो सामान इंटैक्ट उनको उसी तरह से मिल जाता है आपके एक कॉलीग हैं जो आपके बारे में कुछ हमारे प्रोग्राम में कहना चाहते हैं तो आइए उनकी बात सुनते हैं नमस्कार सर बहुत अच्छा लग रहा है सर आपको देख कर जब भी आपसे मिलता हूँ आपको देखता हूँ एक गहरी सकारात्मकता मेरे भीतर आती है और मैंने बराबर यह महसूस किया है कि आपके व्यक्तित्व के निर्माण में आपके चित्त के निर्माण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और विश्व के महान साहित्य का अद्भुत संयोग है वरना यह सकारात्मकता आ ही नहीं सकती थी आपके साथ काम करने का अवसर मिला है और वहाँ भी मैंने यह देखा है कि जिस गहरी अंतरदृष्टि इतिहास दृष्टि और विश्व दृष्टि के साथ आप काम करते हैं वह हमारे समय में विरल है लगातार अपने साथियों को आगे बढ़ाने का उद्यम करना उन्हें प्रोत्साहित करना कोई आपसे सीख सकता है आपसे घंटों कोई चाहे तो हिंदी उर्दू अंग्रेजी साहित्य पर संस्कृत साहित्य पर बात कर सकता है एक इतिहास के प्रोफेसर का साहित्य में इस तरह होना दखल रखना एक बड़ी बात है मुझे लगता है इससे दोनों अनुशासन समृद्ध होते हैं जिस तरह से आप हमारी जो कल्चर है उसको सहेज रहे हैं थ्रू है योर पंजाब, पंजाब जो सराय थी उनको कंजर्व किया गया है और बड़ी खुशी की बात है कि वो अब अपनी अच्छी हालत में मौजूद हैं uh, कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई थी रंगदे बसंती जी 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 रंगे बसंती में एक शॉट है जिसमें ये तमाम लड़के एक छत पर खड़े होकर के जहाज देखते हैं बिल्कुल हाँ। वो एक सराय की छत है और उस सराय का नाम है लखपत सराय वो जालंधर और लुधियाना के बीच में सराय है औरंगजेब की बनवाई हुई सराय है इंटैक्ट है वो सराय 130 कमरों की सराय है इतनी बड़ी जी, बहुत बड़ी सराय है हाँ। और इस वक्त वो एक पंजाबी एग्रीकल्चरिस्ट के कंट्रोल में उसका कोर्ट है अच्छा और वहां वो अच्छी खेती करते हैं और इस बहाने थोड़ा सा सराय का कंजर्वेशन भी करते हैं

और एक बड़ा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऐसी एक सराय का दिल्ली में मिलता है जी। पर अफसोस की बात यह है कि अंग्रेजों ने उस सराय को नेस्तो नाबूद कर दिया और उसकी जगह टाउन हॉल खड़ा कर दिया अच्छा टाउन हॉल मतलब जो दिल्ली के के टाउन हॉल है चांदनी चौक का जी, जी, जी। वहां पहले एक सराय हुआ करती थी अच्छा जो रिजर्व थी सिर्फ पर्शियन ट्रेवलर्स के लिए अच्छा और हमारे पास डिस्क्रिप्शन है कि वहां पर्शियन ट्रेवलर्स अपने कालीन गलीचे लेकर के आते थे जो हिंदुस्तान में बड़ी डिमांड में थे और हीरे जवाहरात लेकर के आते थे अच्छा और इनके सेफ कस्टडी के लिए उस सराय में बाकायदा बंदोबस्त था रूम हुआ करते थे जिसके अंदर ये सामान ठीक से रख दिया जाए और इस सामान की हिफाजत हो और स्टेट की तरफ से प्रोटेक्शन मौजूद हो जो आजकल के पांच सितारा या सात सितारा पांच है, पांच है, पांच सितारा और खाने के लिए भी ये डिस्क्रिप्शन है कि उनके लिए खास खाना तैयार होता था और एक कमरा नहीं उनके लिए तीन तीन कमरों के स्वीट हुआ करते थे हाँ, हाँ। आपस में जुड़े हुए दिल्ली में कहा जाता है कि सौ डेढ़ सौ सराय थी एक वक्त पर दिल्ली शहर में तो नहीं है सौ डेढ़ लेकिन दिल्ली के आस जरूर काफी सराय रही हूँ क्योंकि दिल्ली में ही सात आठ सराय स्ट्रक्चर्स आज भी इंटैक्ट हैं मतलब कुछ बहुत अच्छी हालत में है कुछ थोड़े से ख़राब हो गए हैं लेकिन करीब करीब आठ स्ट्रक्चर जो है वो अभी मुझे देखने को मिले दिल्ली में ये बादली करके एक गाँव है बादली में आज दो गेट्स खड़े हुए दिखाई देते हैं ये एक सराय थी बड़ी सराय थी और अट्ठारह सौ के गदर में जो रिबल्स थे उन्होंने इसके अंदर पनाह ले ली थी और बाद में अंग्रेजों ने इसको तोप से उड़ा दिया था तो उसके गेट बचे बाकी स्ट्रक्चर उसका ख़त्म हो गया तो इस तरह के हमारे पास काफी डिस्क्रिप्शन है सड़कों के नाम देखते हैं जैसे सराय काले खां या, या फिर यूसुफ सराय वो अब एक बहुत बड़ा बाजार है लेकिन वहाँ सराय है यूपी को लेकर ये स्टडी की थी जी और ये पता चला कि यूपी में करीब करीब 300 सराय के नाम पर हुँ। या तो छोटे कस्बे हैं या मझोले कस्म के शहर हैं तो जाहिर है कि वहाँ किसी न किसी तरह की सराय रही होगी हो सकता है कि बहुत बड़ी सराय ना हो पचास कमरों की सराय हो चालीस कमरों की सराय हो क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से सराय के साइज में परिवर्तन होता रहता था अगर बहुत ज़्यादा ट्रैवलर्स गुजर रहे हैं तो सौ कमरों की सराय है जैसे मथुरा के पास एक सराय है वो दो सौ तीस कमरों की सराय है अच्छा इतनी बड़ी इतनी बड़ी इससे लगता है कि उस पर ट्रैफिक काफ़ी थी और वो एक हॉल्टिंग स्टेशन था और वहाँ बहुत सारे ट्रैवलर्स रुकते थे औरंगजेब की बनवाई हुई सराय है तो इतनी बड़ी सराय भी देखने को मिलती है लेकिन छोटी मझोली सराय और उन सरायों के ख़त्म हो जाने के बाद नाम उनका उन शहरों के साथ जुड़ गया आपके ऐसे बहुत से प्रशंसक हैं जो आपके वर्क को एडमायर करते हैं उन्हीं से जरा सुनते हैं उनकी राय क्या है आपके बारे में नमस्कार आपके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है माई एसोसिएशन विथ यू हैज बिन ऑलमोस्ट ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड and uh, it's, you know, a never-ending uh, relationship, never-ending uh, process, what i can call. and, uh, you know, i have known you since uh, i joined the indra gandhi national open university in 2008 uh, during my research program as the research and teaching assistant in indra gandhi national open university. and it was you who always used to encourage and motivate uh, the youth. Young students like us to move forward, you know, prove our potential and, you know, work hard in not only academics but also the co curriculars. I have learned so much from you, sir. And, uh, you know, the way the knowledge uh, you had and even you have uh, today as well when we hear you for your various talk shows. एंड योर सेव the various fields and subjects it is absolutely par excellence आपने बताया कि कैसे तुर्कों के साथ सराय हिंदुस्तान में आई तो क्या uh, जो डोम स्ट्रक्चर है वो भी उनके साथ ही आई थी डोमिकल स्ट्रक्चर भी तुर्कों के साथ ही हिंदुस्तान में आया क्योंकि खास तरह से एक खास टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में आई जिसको टेक्नोलॉजी कहते हैं हाँ। और इसमें दो चीज़ों की बड़ी अहमियत थी जी एक तो हम डोम बनाने के लिए या आर्च बनाने के लिए खास तरह का मसाला चाहिए जी क्योंकि डोम की जो एलिमेंट्स हैं ईंटें और पत्थर हैं अगर वो खास तरह के मसाले से जोड़े न जाएं और उनके गिरने की गुंजाइश हो तो आर्च नहीं खड़ा हो सकता हाँ। और डोम नहीं खड़ा हो सकता बिल्कुल ये मसाला हिंदुस्तान में तुर्कों के साथ आया और चूने का मसाला कहलाता है और चूने के मसालों ने मसाले ने हिंदुस्तान में बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में एक रिवोल्यूशन पैदा कर दिया क्योंकि mm -hmm. तो चूने के मसाले के साथ बिल्डिंग्स के जो एलिमेंट्स हैं ईंटें हैं पत्थर हैं जिससे भी बिल्डिंग बन रही है जो बिल्डिंग मटेरियल है उसके आपस में बहुत मजबूती से जुड़ने की गुंजाइश पैदा हो गई जी चूने का मसाला एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था That's... दुनिया की हिस्ट्री ये बताती है कि वो किसी की ईजाद नहीं थी वो एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था रोमन एम्पायर में इसकी डिस्कवरी हुई थी वो लोग अपने किले बनाते थे और किले की दीवारों को मोटा करने के लिए एक तरह की केसिंग बनाते थे जी। एक साइड में पत्थर की दीवार खड़ी की और थोड़ी दूर पे दूसरी पत्थर की दीवार खड़ी की और बीच के हिस्से में वो मलबा भर देते थे जी। ये मलबा असल में लाइमस्टोन होता था और सौ डेढ़ सौ बरस के बाद पता चला कि बाहर की केसिंग गिर गई हाँ। और ये मलबा इतना मजबूत है कि उनको छेनी हथौड़ी लेकर के अगर इसे हटाना था तो काटना पड़ा प्रोफेसर साहब इतनी सारी हमने आपसे बात की सराय के बारे में आपकी गांधी फ़िलासफ़ी के बारे में वक्त लगता है जैसे थोड़ा कम है लेकिन इस वक्त आपसे इजाजत चाहते हैं थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन प्रोग्राम अंटिल नेक्स्ट टाइम देन गुड बाय